अब हम देखते हैं कि हमारी कुछ स्टेम सेल्स होती हैं जिनको हम एक स्पेसिफिक नाम भी देते हैं हर एक उनकी पोटेंसी पे डिपेंडेंट कि उनकी कितनी पोटेंसी है कि वो क्या क्या बना सकते हैं। ऑन देयर एबिलिटी टू डिफरेंशिएट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका पहले अपन ऑर्डर देख लेते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। तो इनका ऑर्डर होता है टोटिपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, फिर आती है हमारी मल्टीपोटेंट, फिर आती है हमारी ओलिगोपोटेंट, एंड उसके बाद आता है हमारी यूनिपोटेंट। तो अब क्या है ना कि जो हमारी टोटिपोटेंट है, टोटिपोटेंट जो है वो एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी बना देती है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी बना देती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू जैसे कि हमारा प्लेसेंटा, एम्बलाइकल कॉर्ड, ये हमारी होगी टोटिपोटेंट। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं वो किस में प्रेजेंट होती है? तो हमारा जो जाइगोट होता है टिल द 8 सेल स्टेज, ठीक है, यहाँ तक जो सारी सेल्स होती हैं वो टोटिपोटेंट होती हैं। प्लूरीपोटेंट क्या है? प्लूरीपोटेंट है कि खाली एम्ब्रियोनिक टिश्यू बनाना, कोई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू नहीं बनाएंगे, खाली एम्ब्रियोनिक टिश्यू बनाएंगे। नेक्स्ट है मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट मतलब कि ये मोर देन, मतलब पूरा एम्ब्रियोनिक टिश्यू ना बना के कुछ इन्होंने एक स्पेसिफिक एरिया चुन लिया कि हाँ हम इस स्पेसिफिक एरिया की सेल्स बनाएंगे। जैसे कि हमने ब्लड सेल्स बना ली, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स हो गई, तो ये मोर देन वन कैटेगरी ऑफ सेल्स बनाएंगे। ये जैसे कि हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स में वो RBC भी बनाएगा, WBC बनाएगा, प्लेटलेट्स भी बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओलिगोपोटेंट। ओलिगोपोटेंट जो है वो खाली एक कैटेगरी ऑफ सेल को बनाएगा, एक कैटेगरी ऑफ सेल को बनाएगा, मतलब कि जैसे वेस्कुलर स्टेम सेल्स होगी जो खाली वेसल्स को ही बनाएगा। नेक्स्ट हो गया हमारा यूनिपोटेंट। यूनिपोटेंट मतलब कि खाली एक तरह की सेल बनाएगा, वन टाइप ऑफ सेल ओनली, तो वो हो गई यूनिपोटेंट सेल। जैसे कि हमारी लिवर सेल होती है, लिवर सेल होगी वो लिवर को ही बनाएगी, ये नहीं कि वो हार्ट को बना देगी, एब्डोमेन बना देगी, ये नहीं होगा। लिवर सेल हमारी खाली लिवर को बनाएगी। ठीक है, तो ऐसे हमने इनको, इनके एबिलिटी टू डिफरेंशिएट और इनकी पोटेंसी क्या है उसके बेसिस पे हमने इन्हें 5 तरह के डिवाइड किए हैं, टोटिपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट एंड यूनिपोटेंट। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है इनके ऑर्डर्स पे, तो इन ऑर्डर को याद कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू एंजॉयड दिस। Thank you.